इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर पी एन जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावकी, शैली सरावकी, मयंक सरावकी, हर्षिता सरावकी, फर्म सरावकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावकी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर। देवादिदेवी खजारा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी चेतना का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूलनायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना आयोग प्रवर्तक पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धराधाम गुणायतन परिसर, जहां से आप सभी लोग और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी सेट के सामने सभी दर्शकगण, जो भी इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप अपना नमस्ते बोलिएगा, अपने परिवार का, इष्ट मित्रों का, जहां से आए वहां का, सब एक साथ बोलिएगा, आपके लिए मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन भव्य आत्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधु, गुणायतन में पंचायतन शैली के विश्व का प्रथम जनालय का निर्माण कार्य लगभग लगभग पूर्णता की ओर है। बहुत ही तीव्र गति से वह कार्य यहां पर चल रहा है। साथ ही आत्मा से परमात्मा और समर्पण की संपूर्ण यात्रा को संक्षिप्त रूप से बतलाने के लिए अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। और गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदार मना दानदाता प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, चाहे स्वर्ण दान के रूप में हो जो वेदी और कलश शिखर पर मंडित किया जाएगा, अथवा अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी दानदाताओं का सम्मान करेंगे। साथ ही अनुरोध भी करूंगा कि अगर आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हुए हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है और सर्वोत्तम आशीर्वाद आपके लिए है अपनी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग करने के लिए। इसलिए आप आलस्य को छोड़ें, लोभ को छोड़ें और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से अवश्य ही जुड़ें। आज जो गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं। अगर वे यहां उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। बलांगीर ओडिशा से श्रीमती हेमलता मूंगी लाल जी जैन परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कर दीजिएगा, वो यहां पर उपस्थित हैं। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं
श्रीमती इंदुमती शांतिलाल बोबरा थांदला झाबुआ मध्य प्रदेश से अगर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर आशीष ग्रहण करें और जोरदार करते ध्वनि से आप सम्मान करते जाएं। श्री दिलीप साय श्रीमती उषा साय तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से जोरदार करते ध्वनि से सम्मान करिएगा। वंदो आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में श्री राकेश चंद्र जैन श्रीमती सविता जैन कुमारी प्रज्ञा जैन श्रीमती तनु किशले जैन चिरंजीव अकलंक जैन कोतकपुर परिवार फरीदाबाद हरियाणा से जोरदार करतल ध्वनि से बंधु ये स्क्रीन पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तालियों के गड़गड़ाहट उस परिवार के कानों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ऑनलाइन अपनी स्वीकृति यहां पर प्रदान की है। बंधु सेवा के क्षेत्र में अग्रणी सिमेशकर तीर्थराज और आसपास के जितने भी आदिवासी और आप सबकी सेवा में अग्रणी संस्था सेवायतन और आज सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं दमोह मध्य प्रदेश से श्री मुकेश कुमार सिंघई श्रीमती मीना सिंघई अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें आइएगा पधारिएगा और आप गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं। तालियां थोड़े दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं और सेवायतन के भी ट्रस्टी बने हुए हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनीष जी जैन बुढ़ार से हमारे बीच में गुणायतन की ट्रस्टी कृपया पधारें और आज जो सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें पधारें। श्री मनीष जी जैन बुढ़ार शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। बंधु साथ ही सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अभय वीणा काला रितेश शुभम पीयूष रचिता जैन धामी टोला परिवार गया से तो अगर यहां उपस्थित हैं तो कृपया पधारिएगा मंच पर। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उस परिवार को यहां पर आमंत्रित करते हैं श्री और आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं श्री अभय वीणा काला रितेश शुभम पीयूष रचिता जैन धामी टोला गया शीघ्रता से पधारें अगर यहां पर उपस्थित हो तो। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी एडवोकेट दिल्ली आइएगा आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं विजय जी एडवोकेट दिल्ली से हमारे बीच हैं। बंधु अभय वीणा काला रितेश शुभम पीयूष रचिता जैन धामी टोला गया आप आज सेवायतन के श्री सेवायतन के ट्रस्टी बने हैं और गुणायतन के भी आप ट्रस्टी पहले से हैं तो दो दो ट्रस्टी हैं एक साथ जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। हाँ बंधु मैं बहुत सम्मान के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अरुण कुमार जी जैन श्रीमती पुष्पा जैन तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट अब वो आ जाएंगे कोई बात नहीं चलेगा। श्री अरुण कुमार जी जैन श्रीमती पुष्पा जैन श्री शुभम जैन श्रीमती शिल्पी जैन मोक्षित जैन शामली उत्तर प्रदेश से अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। आज गुणायतन से संस्थापक एक बार आप पुनः पहुंच जाएं एक बार पुनः पहुंचेगा अभय जी वीणा जी आ गई हैं हाँ प्रेरणा स्रोत तो वही हैं अभय जी यहां नहीं रहते लेकिन वीणा जी हमेशा चौका लगा करके दोनों काम यहां पर करते हैं गुणायतन सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में तो जुड़े हैं लेकिन आहार दान का सौभाग्य भी वीणा जी हमेशा प्राप्त करें। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से चलेगा। बंधु आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं श्री अरुण कुमार जैन श्रीमती पुष्पा जैन श्री शुभम जैन श्रीमती शिल्पी जैन मोक्ष जैन शामली उत्तर प्रदेश से आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हैं राकेश जी गोधा इंदौर से गुणायतन के परम संरक्षक कृपया पधारें और साथ में सौरभ जैन देवेंद्र नगर गुणायतन के जो ट्रस्टी हैं पधारेंगे और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे शीघ्रता से आ जाएं संपूर्ण परिवार का और आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच बंधु ऐसे उदार मना दानदाताओं का परिवार दानदाता परिवारों का सम्मान कीजिएगा। एक बार पुनः मेरी अपेक्षा होगी कि आप भी इस सम्माननीय की श्रृंखला में अपने आप को सम्मिलित कीजिएगा ताकि आपके लिए भी गौरव हो सके कि हम उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिस परिवार ने वास्तव में एक इतिहास की रचना की है और वह है गुणायतन परिवार। आइएगा बंधु हम सीधे सीधे निवेदन कर रहे हैं आज आप प्रश्न के रूप में पूज्य श्री के श्री चरणों में श्री छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज की भी अपना प्रश्न पूज्य श्री के श्री चरणों में रखें। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु
महराष्ट्री दशलक्षण पर्व में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध भोजन करते हैं। ऐसे में शुद्ध दूध की व्यवस्था करना, मर्यादित सामग्री तैयार करना, इसमें सामान्य से अधिक समय लग जाता है। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि दशलक्षण पर विशेष रूप से धर्म करने के लिए आए हैं तो भोजन आदि में इतना समय देने की अपेक्षा स्वाध्याय करो, ध्यान करो तो ज़्यादा लाभ है। तो महर्षि इसमें ज़्यादा क्या सही है? भैया पहले तो ये बताओ, हम शुद्ध भोजन करते क्यों? शुद्ध भोजन करना धर्म है या अधर्म? शुद्ध भोजन करते हैं हिंसा से बचने के लिए और इंद्रिय पर संयम रखने के। तो हिंसा का परिहार और इंद्रियगत संयम, ये दोनों धर्म है या नहीं? बोलो, है ना? तो जो लोग कहते हैं कि दशलक्षण दिन के 10 दिन हमें धर्म करने के लिए मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करना चाहिए, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि शुद्ध भोजन करने में भी धर्म है। बल्कि शुद्ध भोजन करना मेरा पहला धर्म है, ऐसा समझो। शुद्ध भोजन करोगे तो शुद्ध भाव होंगे। स्वाध्याय में आपको क्या पढ़ाया जाता है? संयम का पाठ पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो स्वाध्याय में संयम का पाठ पढ़ो और जीवन में असंयम का रूप दिखाओ तो क्या होगा? इसलिए ये कहना ठीक नहीं। हाँ, शुद्ध दूध नहीं मिलता, 10 दिन दूध मत लो। क्या बिना दूध के नहीं रह सकते? 10 दिन जब लोग निर्जल उपवास करके रह सकते हैं तो 10 दिन हम नीरस आहार करके भी रह सकते हैं। पेट को आधार दे दो। समय बचाना है तो संयम की रक्षा करके बचाओ, असंयम के साथ मत बचाओ, तो तुम्हारा धर्म होगा। जिस व्यक्ति को ऐसे अपने शुद्धि की क्रियाओं में समय की बर्बादी दिखती है, उसने अभी धर्म के मर्म को ही नहीं समझा। सच्चे अर्थों में उसका धर्म कागजी धर्म है। धर्म तभी सार्थक और सफल होता है जब तुम्हारी क्रियाओं में वो धर्म आए। तो अपने धर्म को क्रियाओं में उतारने का प्रयत्न कीजिए, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, आइए बंधु, आपका सौभाग्य प्रत्यक्षता आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक आप टीवी के माध्यम से महाराज श्री को देखते होंगे, इस कार्यक्रम को देखते होंगे, लेकिन आज सौभाग्य आपके हाथों में है कि आप प्रत्यक्ष रूप से महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी शंकाओं को रख सकते हैं और अपने मन को समाधित कर सकते हैं। और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों का मन भी निश्चितम तौर पर समाधित होगा। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सौरभ जैन, देवेंद्र नगर, दृष्टि गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी जैन गोधा, परम संरक्षक गुणायतन, इंदौर से। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु और इच्छामि सभी छुल्लक महाराजियों के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हर माँ स्त्री होती है, लेकिन उसे पुत्र की चाह होती है कि उसका एक पुत्र हो। दो पुत्रियां हो जाएं, दो पुत्रियां हो जाएं तो उसे दुख है? दो पुत्र हो जाए तो उसे दुख नहीं होता, लेकिन यदि पुत्र ना हो तो उसे पुत्र की आशा होती है। यही मेरी शंका है, महाराज श्री इसका समाधान कीजिए। अच्छा सवाल है। हर माँ एक स्त्री है, लेकिन उसके बाद भी वो पुत्र की अपेक्षा, पुत्र की चाह रखती और पुत्र के अभाव में दुखी रहती है। आपका सवाल है ऐसा क्यों होता है? मुझे इसके पीछे दो कारण दिखते हैं। एक तो वंश वृद्धि का लोभ और दूसरी कुछ धार्मिक मान्यताएं। हमारे यहाँ ऐसी एक धार्मिक मान्यता थी, जैन धर्म में तो नहीं थी लेकिन भारत में ये मान्यता, अपुत्रस्य कागति, पुत्रहीन की सदगति नहीं होती, उसको मोक्ष तभी मिलेगा जब उसको पुत्र होगा। क्योंकि जब तक श्राद्ध तर्पण करने वाला, जिनके यहाँ श्राद्ध की मान्यता, उनकी मान्यताओं की बात, तो वहाँ पुत्र की चाह इसके कारण प्रबल हो उठी। अरे पुत्र नहीं तो मेरा कल्याण कैसे है? फिर पुत्र नहीं तो मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी?
हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वंश बढ़े। कन्या तो परघर में चले जाएगी, तो कन्या जब परघर में चले जाएगी तो मेरा वंश कैसे बढ़े। हर कोई अपने वंश को अजर अमर बनाए रखना चाहता है, पर न वंश अमर है न वंशी अमर है ना। तो ये एक भाव मन में जुड़े हैं जिसके कारण लोगों के मन में ऐसा भाव होता है। लेकिन अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है और अब तो बेटियां कांधा भी देना शुरू कर दी, मुखाग्नि भी देना शुरू कर दी, और बेटी और बेटे का फर्क अब मिट रहा है। हालांकि बेटी बेटी ही है, बेटा बेटा ही है, बेटा का काम बेटा करता है और बेटी का काम बेटी। लेकिन इसके बावजूद हमें संतान को संतान की तरह देखना चाहिए, उसे बेटा और बेटी का भेद नहीं करना चाहिए। श्री राकेश रजनी जी गोदा, परम संरक्षक गुणायतन इंदौर से आगे तैयार रहेंगे। संगीता गब्बाड़े अकोला, दृष्टि गुणायतन। हे स्वामी, दो अक्षर का बोलो। हे स्वामी, दो अक्षर का लक, ढाई अक्षर का भाग, तीन अक्षर का नसीब और साढ़े तीन अक्षर का किस्मत, ये व्यवहार में समझ में तो आता क्योंकि चारों चार अक्षर के मेहनत पर सवार हैं। लेकिन ये चारों अक्षर चार अक्षर के मेहनत पर सवार हैं, लक, भाग्य, नसीब और किस्मत। इनका अर्थ व्यवहार में समझ में तो आता है, लेकिन इनका अर्थ आध्यात्म में जरूर होगा। बहुत सर समझा गुरुदेव। लक, भाग्य, नसीब और किस्मत जी, ये दो, ढाई, तीन और चार अक्षर के हैं, जो चार अक्षर के मेहनत पर सवार। बहुत अच्छा विचार है जिसने भी इसे प्रकट किया, एक बार उसके लिए करतल ध्वनि। आपने पूछा आध्यात्मिक दृष्टि से इसे हम कैसे व्याख्यायित करें। यद्यपि लक, भाग, नसीब और किस्मत इन चारों को एक प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के रूप में देखा जाता है, और ये क्रमशः लक अंग्रेजी है, भाग्य हिंदी है, संस्कृत में भी आएगा, नसीब शायद उर्दू या फारसी है, और किस्मत उर्दू शब्द के अंतर्गत अलग अलग भाषा में इसे कहा जाता है। आपने पूछा है आध्यात्मिक दृष्टि से इसे हम किस तरह देखें। तो देखो, अगर इसकी पूरी व्याख्या करूं तो सब लोग तुम्हें कोसने लगेंगे, क्योंकि इन चारों शब्दों की चार चार बातों से व्याख्या होगी। किसी दिन प्रवचन में ही इसे प्रकाश डाला जाए तो अच्छा है। गुड है सर। मैं आपका लक भी बनाऊंगा, भाग्य भी जगाऊंगा, नसीब भी खोलूंगा और किस्मत भी चमकाऊंगा। जीवन आगे। नमस्ते गुरुदेव। संगीता गब्बाड़े। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, मनुष्य संसार में तीन चीजों के लिए जिंदगी भर श्रम करता है। मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मेरा पोशाक सबसे अलग होना चाहिए और मेरे घर सबसे सुंदर होना चाहिए। लेकिन मृत्यु होते ही तीन चीजें बदल जाती है। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, पोशाक कफन में बदल जाता है और घर स्मशान में बदल जाता है। गुरुदेव, जो अपना है उसके पीछे पूरा जीवन, जो अपना नहीं है उसके पीछे पूरा जीवन लगा देता है, और जो अपना है उसे ही मनुष्य क्यों भूल जाता है। यही उसकी नादानी। पूरी जिंदगी वो सपने में जीता, जिस दिन उसे सत्य का बोध हो जाए जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। पर दुर्भाग्य है, मरने के बाद लोग मुर्दे को ना राम नाम सत्य सुनाते हैं। काश जीते जी ये समझ सके कि राम नाम सत्य है तो सब कुछ बदल जाए। नमस्ते गुरुदेव। नेमीचंद जैन फरीदाबाद, दृष्टि गुणायतन। तब तक यहां देखो, राजेश जैन ग्वालियर। एक माइक और कहां है? थोड़ा एक बार अनुरोध करूंगा, जिनके भी नाम मैं लेता हूं समय से पहले खड़े हो जाएं ताकि माइक आपके पास तक पहुंच सके और व्यवधान ना हो। बोले राजेश जैन, खड़े हो जाओ जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से साधन वस्तु सभी छुल्लक इलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 8 में
व्यवहारने से आत्मा व्यवहारने का करता है और निश्चयने से निश्चयने का आत्मा का करता है। तो साथ में उसमें एक छंद ये भी जुड़ा हुआ है जो शुद्ध न्याय से शुद्ध भावों का करता है। तो शुद्ध न्याय का क्या तात्पर्य है और शुद्ध भाव का क्या तात्पर्य है, मेरे थोड़ा दिमाग से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ। देखिए, न्याय की विवक्षा न्याय कथन करने का एक तरीका है, एक दृष्टिकोण जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विषय बनाता है उसको बोलते हैं शुद्ध न्याय। और सच्चे अर्थों में आत्मा का वही स्वभाव है और आत्मा उसका ही करता है जिसे केवल शुद्ध दृष्टि से जाना जाता है। व्यवहार ने आत्मा के विकारी भावों को अपना विषय बनाता है, इसलिए व्यवहार ने से जीव को सुख दुख का कर्ता माना जाता है। तो निश्चय ने और शुद्ध ने में कोई अंतर रहता है? एक ही, एक ही। राजेश जैन ग्वालियर, आगे तैयार रहेंगे। प्रतीक वाकलीवाल रांची, सेवायतन आरोग्य केंद्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, अभी अथिर संसार में सभी लोग दुखी हैं, फिर सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, दुखिया सब संसार है, एक सुखी राम का दास। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज। प्रतीक वाकलीवाल रांची, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी कोटा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे मेरे पूरे परिवार के साथ साथ नमोस्तु एवं इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, अगर लोग अपने अच्छे भाव से किसी लोगों का अच्छा करना चाहे लेकिन हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा होते रहे, तो इसे अपने पाप का कर्म समझकर उसको चालू रखना चाहिए कि हमें किसी की सहायता करना ही छोड़ देना चाहिए? देखो, अच्छा करने के बाद भी कई बार बुरा हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ों से मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरा ऐसा कर्म है और ये सब इसलिए हुआ कि मैंने अच्छा करने वालों के विषय में बुरा सोचा। काश मैं अच्छा किया होता और अच्छा करने वालों के लिए अच्छा कहा होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं। इसलिए जब कभी भी ऐसी स्थितियां बने, बिल्कुल घबराए बिना अपने आप को स्थिर रखना चाहिए, कर्म का उदय मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए और दुगने उत्साह से अपने काम में लगना चाहिए। श्री कपूर चंद जी कोटा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे मनीष मोनिका दिया बढ़ा दृष्टि गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु, आज मैं आपके समक्ष बहुत पीड़ा और दर्द भरी एक खबर लेके आया हूँ। वो ये है गुरुदेव, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण दिल्ली के द्वारा 22/8/2023 को एक सूचना प्रकाशित की गई, उसमें खजुराहो जो जैन मंदिर है हमारे उसको अधिग्रहण करने की बात की गई। वो जबकि वो वहाँ के जो हमारे अतिशय क्षेत्र के जो परिसर में जो 15 मंदिर हैं वो एक हमारी खुद की बाउंड्री वॉल में है, और वो अतिशय क्षेत्र खजुराहो का राष्ट्रीय जो हमारा जो अभिलेख है राजस्व विभाग का उसमें हमारे नाम से स्वामित्व और आधिपत्य दर्ज है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, जो बात आपने कही है ये बात बहुत गंभीर है। खजुराहो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, वो हमारा अतिशय क्षेत्र है, वो हमारा परम पावन तीर्थ है, और ये बात भी अच्छी है कि देश ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में रखा है, स्वीकार किया है, दुनिया भर के लोगों की उसमें दृष्टि होती है। इस दृष्टि से क्षेत्र को संरक्षित किया जाना बुरा नहीं है, लेकिन क्षेत्र के संरक्षण के नाम पर उसकी पूजा अर्चा में व्यवधान होना, उसके प्रबंध और व्यवस्थापन में दखल देना कतई उचित नहीं। ये जो नोटिस जिसका आपने उल्लेख किया मेरे भी संज्ञान में वो आया है, मुनि श्री अभय सागर जी के महाराज के माध्यम से मेरे पास ये संदेश आया। मैंने उनके पूरे संदेश को पढ़ा, शायद सारे सोशल मीडिया में वो जारी। आप सबसे मैं कहूँगा इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आगामी 21 सितंबर तक सरकार ने इस पर आपकी आपत्ति मंगाई है। आज ही जितने लोग सुन रहे हैं अभी उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा, उसको आप और इसे मैं चाहूँगा प्रमाणिक ऐप में भी आज ही तुरंत डाल दीजिए, अभी कार्यक्रम चलते में उसमें इसकी पूरी सामग्री होगी
और आप वेबसाइट में भी डाल दीजिए, तो हाँ दोनों चीज़ों में उपलब्ध होगी। और आप लोग इसे तुरंत डाउनलोड करके दुनिया में जितने लोग देख सुन रहे हैं सरकार के पास जाकर इसकी तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं और कहें हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि आज संरक्षण के लिए हमारी बहुत बड़ी विशाल विरासत है जो खुले आसमान के नीचे पड़ी है, उन्हें संरक्षित करे। जो तस्करों के हाथ में लग रही उन्हें संरक्षित करे। ये कोई स्मारक नहीं, हमारे पूजा स्थल हैं, श्रद्धा के आयतन हैं। हमें पूजा अर्चा का अधिकार दें। जहां हमारे मुनियों का, जहां हमारे साधुओं का, जहां हमारे त्यागियों का नित्य चातुर्मास होता, आवागमन होता है, जहां हमारे विद्वान जन अपने शोध खोज करते हैं, जहां श्रद्धालु आकर के नित्य पूजा अर्चा करके अपने जीवन का उत्थान करते हैं, ऐसे स्थान का इस तरह से अधिग्रहण या जो कुछ भी सरकार करने जा रही है, ये प्रस्ताव कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, तुरंत पहला काम जो आपको अभी पूरी विशेष जानकारी दी जाएगी, वो पूरी जानकारी जो अभय सागर जी महाराज के माध्यम से आई है वो लोगों तक पहुंचाई है, और प्रमाद छोड़ करके इस कार्य में लगे। सरकार का जो भी दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये हमारे धर्म हित, समाज हित और संस्कृति हित में नहीं है, इसलिए हमें इसे स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमें सरकारों को बता देना। जो भी सरकारी निर्देश है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उसे ढंग से पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका निषेध आपको करना, आपको अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ईमेल के माध्यम से इन्हें मेल करे, व्हाट्सएप करे, या जो भी माध्यम है उस माध्यम से उनके तक पहुँचाएँ। आपका एक संदेश हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर को सुरक्षित करेगा। हजारों साल से, 1000 वर्ष से अधिक हो गए खजुराहो के इन जिनालियों के, और उन जिनालियों में कई का प्रबंधन जैन समाज अपने क्षेत्र के कमेटी के माध्यम से उसका हो रहा है, उसे यथावत रखा जाए। इसे किसी स्मारक के रूप में नहीं, अपितु हमारी धरोहर के रूप में विकसित किया जाए, और वो हमारे पूजा स्थल है, इसे पूजा स्थल के रूप में ही रहने दिया जाए। ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए। आप लोग भी इसे न केवल स्वयं करें, अपितु एक एक आदमी, कम से कम 10-10 व्यक्ति को केवल मैसेज के थ्रू नहीं, फोन करके, व्यक्तिगत संपर्क करके आगामी 21 तारीख के पहले इतनी लाइन लगा दे, ताकि सरकार को भी और सरकार के आदमियों को भी ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़े कि इससे देश भर के श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, जो हमें नहीं करना चाहिए। बंधु यह जो विरोध आपको दर्ज कराना है, यह विरोध दर्ज कराने के लिए पूज्य निर्यापक श्रमणमणि श्री अभय सागर जी महाराज जी ने जो दिया हुआ है मेल आईडी भी आपके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं, और उस मेल आईडी को आप देख लीजिए। अति आवश्यक खजुराहो के जैन मंदिरों के अधिग्रहण की तैयारी, समय कम है, समाज की सक्रियता ही इन्हें बचा सकेगी। खजुराहो के अति प्राचीन ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिरों को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 21 सितंबर तक इस संबंध में अपनी आपत्ति विरोध दर्ज किया जाना है। देशभर की जैन समाज चेते संबंधित सभी जैन मंचों से इसका विरोध दर्ज करना है, अन्यथा हमारी यह जैन धर्म की धरोहर चली जाएगी। और आपत्ति दर्ज कराने के लिए मेल आईडी पर प्रतिरोध आपको दर्ज कराना है। मेल आईडी है ms-nma@nic.in। फिर से बोलो ms-nma@nic.in, और दूसरा arch.section@nma.gov.in। हाँ, एक दो मेल आईडी पर मेल के अंत में आपको अपना नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है, ताकि वो आप प्रतिरोध हो सके। बहुत बहुत महाराज श्री के श्री चरणों में हम नमोस्तु करते हैं कि उन्होंने इतनी कृपा की और ये संदेश सभी संघों तक भेजे। क्या प्रतिरोध करना है वो भी बताओ। ये आपको सब प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध हो जाएगा, और व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से भी आपको उपलब्ध होगा। जो सामग्री है वो पूरी सामग्री आपको अविकल अपने अपने नाम से आज ही प्रसारित कर देना चाहिए। 21 तारीख में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, आज 17 तारीख हो गई है, तो जो भी है 3 दिनों में आपकी इतने ज़्यादा आपत्तियां जानी चाहिए,
ताकि शासन के लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। हमारे मंदिरों को अधिग्रहित कर लेने का मतलब है, जिस मंदिर में हम पूजा अर्चा करते हैं, अभिषेक बंधन होता है, ध्यान आराधन होता है, वो मंदिर भी सरकारी हो जाए, ये कैसे स्वीकार किया जाएगा? मंदिर तो हमारे भगवान का मंदिर है, उस पर किसी सरकार का अधिग्रहण हो ही नहीं सकता, हमें इसे कतई स्वीकार नहीं करना है। इसके लिए हमें चाहे जिस स्तर पर विरोध करना पड़े, विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं मेल आईडी, जो दोनों मेल आईडी है वो नीचे चैनल के नीचे उसकी पट्टी चल सके। तो मनीष मोहन का दिया बड़ा टेस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे विनोद जी गोटेगांव, पूज निर्यापक श्रमण मनीषी प्रशांत सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवार। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी शंका है, क्या कर्म हमारे जीवन का कर्ता है या हमारा जीवन कर्म का कर्ता है? इसमें ज्यादा शक्तिमान कौन है? कर्म भी हमारे जीवन का कर्ता है और हम भी कर्म के कर्ता है, दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म का जैसा उदय होता हमारे वैसे भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसा हमारा कर्म बनता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें जो जाग जाए उसका ही भला। श्री विनोद जी गोटेगांव, पूज निर्यापक श्रम मनीषी प्रशांत सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवारजन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा जी सौगानी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि तीसरी प्रथमाधारी शिखर जी की वंदना करते हैं तो सामायिक मानी जाएगी या अलग से सामायिक करनी चाहिए? सामायिक करके वंदना करो ना, और ऊपर जाके सामायिक कर लो, नीचे से चढ़ो तो अब 2 बजे चढ़ो, 1 बजे चढ़ो तो उसका भी फार्मूला है। 1 बजे भी चढ़ते तो चोपड़ा कुंडिया गंधर टोंक में जाके थोड़ी एक सुबह की सामायिक कर लो, दोपहर की सामायिक का बाद में पारसनाथ टोंक या जहाँ 12 बजे के आसपास बैठो वहाँ पहुँच जाओ, फिर नीचे उतर जाओ महाराज, फिर तो उपवास ही हो जाएगा। हम क्या करें तो हम क्या करें, यद्यपि वो धर्म ध्यान है, फिर इसका यही उपाय है जितनी सामायिक छूटे नीचे आने के बाद उतने उत्कृष्ट सामायिक करो, समझ गए? चलिए। हाँ पुष्पा जी सौगानी जयपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद कला जी पाटनी रांची। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर कल रोड तीज है, कल के दिन राजस्थान में बहुत मतलब इतना बड़ा त्यौहार मानते हैं कि मंदिर में पहला रोट मंदिर में चढ़ाते हैं और फिर खुद भी रोटी खाते हैं, तो इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष तो नहीं है ना हमारे? अरे रीतियां हैं सामाजिक, इसमें मिथ्यात्व का क्या दोष है? इसमें कोई नहीं, अलग अलग समाजों की अलग अलग रीतियां हैं। एक दिन रोट खाना, रोट तीज की कथा अपनी अलग है, लेकिन रोज खाते उससे हटकर एक चीज़ खाना ये कोई धर्म नहीं, हमारी सामाजिक रीति। और सामाजिक रीति में इसमें एक विशेष बात होती है कि इससे परिवार से लोगों का जुड़ाव प्रकट होता है। और कुछ हो या ना हो, रोट तीज के दिन घर की जो मुखिया है उसका महत्व समझ में आता है, क्योंकि ये परिपाटी है कि रोट घर की जो वरिष्ठतम महिला है वही बनाती है, ये उसकी महिमा। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, तुमको क्या बनाना क्या खाना। बुंदेलखंड में है एक त्यौहार चलता है कजलिया, रक्षाबंधन के बाद, वो क्यों है? वो सामाजिक, उस दिन खीर बनती है बिया की, है ना, सेवैयों की खीर वही बनती है ना रक्षाबंधन के। कजलियों के दिन क्या होता है? नॉर्मल है। अब उसमें लोग एक दूसरे के घर बैठने जाते हैं, जिसके घर में कोई दुख होता है तो अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार है, रीतियाँ हैं, इन रीतियों को बनाए रखना चाहिए, इससे सभी समाज की सामाजिक पहचान होती। कतिपय लोग जो इन रीतियों का महत्व नहीं जानते, इनका निषेध कर देते हैं और आजकल किसी भी क्रिया को मिथ्यात्व बता देते हैं। अरे रोट खाना धर्म मानोगे तब ना मिथ्यात्व है, लेकिन रोट खाना एक अवसर मानो तो क्या मिथ्यात्व है? रोटी खाओ चाहे रोट खाओ। हम तो समझते हैं तीज को रोट इसलिए खाते हैं कि चौथ के बाद पंचमी से तो फिर हिसाब बराबर कर लो, तो इसमें क्या है? सर्वम ही खल जैना नाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि ना न च व्रत दूषणम। जैनियों को वो सारी विधियां प्रमाणिक है, लौकिक विधियां सब प्रमाणिक है, जिसमें सम्यक की हानि नहीं और व्रत में दूषण नहीं। इसलिए इसको इस तरीके से कहना कहते उचित नहीं है।
न तो इसको बहुत बड़ा धर्म मानना, धर्म नहीं है, ये सामाजिक रीति है, इसमें सामाजिक पहचान है, और इसलिए कोई व्यक्ति कहीं हो उसकी कोशिश होती है कि आज रोड तीज है, मैं अपने घर जाऊं। अपने जड़ से जुड़े रहने का इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। तो जिस समाज की जो जो रीतियां और परिपाटियां हैं उनको बरकरार रखना चाहिए, तभी हम अपनी संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ा पाएंगे। कुरीतियों का अंत होना चाहिए, लेकिन सुधारवाद के नाम पर अपनी रीतियों को भी भूल जाए तो अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्व समाजों को कह रहा हूँ, और सोमदेव सूरी की इन पंक्तियों को ध्यान में रखना, सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्णा न च व्रत दूषणम। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। आगे तैयार रहेंगे संजय कुमार जैन कटनी। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आप में कुछ भी बयान नहीं होता है और तुम में बहुत कुछ दिल खोल करके रख देते हैं, तो आप में क्या पराया हो जाता है और तुम में क्या अपना हो जाता है? आप में सब कुछ बयान नहीं होता और तुम में दिल खोल दिया जाता है। आपने पूछा आप और तुम में क्या फर्क होता है, अगर मुझसे कहो तो उतना ही फर्क होता है जितना बाप और माँ में होता है। कोई अपने बाप को तुम नहीं कहता, पर माँ को तू कहने में कोई ऐतराज नहीं होता। पिता को सब आप ही कहेंगे, लेकिन माँ को तुम। तुम में अपनत्व का भाव अधिक है और तुम शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिनसे हमारा नैकट्य होता है। यद्यपि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के निर्माण में माँ की तरह पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन फिर भी माँ से निकटता ज़्यादा होती है, पिता से कम, क्योंकि पिता हमारे मस्तक है और माँ हमारा हृदय है। दोनों में थोड़ा अंतर तो होगा, तो ये अंतर दोनों का समझकर चलना चाहिए। संजय कुमार जैन कटनी। संजय जैन पथरिया, कुबेर परिवार। हो गया, हो गया। चलिए, संजय सिंगनाले वस्तवाड़ कोल्हापुर महाराष्ट्र। और हमारा अनुरोध है कि आपका प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो उसे संक्षेप करके रखिएगा। आपके बाद में तैयार रहेंगे कांता जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय सिद्धनाले बसवाड़ कोल्हापुर से हूँ। महाराज जी, आचार्य श्री का गांव सदलगा हमारे गांव से सिर्फ 16 किलोमीटर दूरी पर है। हमें गर्व होता है, अभिमान भी होता है कि आचार्य श्री दक्षिण की है, लेकिन साथ में मन में पीड़ा भी होती है कि आचार्य श्री का विहार अभी तक दक्षिण की ओर नहीं हुआ है। पिछले साल विहार होते होते शिरपुर में चातुर्मास हुआ, हमें लग रहा था कि चातुर्मास के बाद विहार दक्षिण की ओर हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा ही, विहार दक्षिण की ओर नहीं हुआ, आचार्य श्री का विहार दक्षिण की ओर हो जाए। इसलिए ब्रह्मचारी तात्या भैया के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हर साल पद यात्रा निकालते हैं। महाराज जी, आप गुरु की मन की बात, थोड़ी थोड़ी बात आपको मालूम होगी कि विहार दक्षिण की ओर क्यों नहीं हो रहा है। ओम ओम, देखिए आपका हाथ है तो मैं समझ गया, मैं क्या आप सब समझ गए। अभी मूल प्रश्न तो उनका रह गया, भावना आयोग की कमांड आप ऐसी कोई बताएं जिससे मैं आ रहा हूं। मैं समझ गया, तो मैं आप सबसे कहता हूं ये भावना केवल दक्षिण के लोगों की नहीं है, मैं समझता हूं यहाँ के हर व्यक्ति की होगी, है कि नहीं। सब भावना भाव कि गुरुदेव दक्षिण की ओर जाए, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती कि गंगा गंगोत्री से निकली है तो गंगा सागर ही जाती, लौटती नहीं। अब गंगा को उतारने के लिए तो भगीरथ आ गया, एक भगीरथ की तपस्या से
वो भागीरथी गंगा जैसी लोक मान्यता है स्वर्ग से उतर आई, तो स्वर्ग से उतारने के लिए तो भागीरथ आया, गंगा को धरा पर बहाया। अब गंगा को वापस गौरी शंकर तक पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल से कोई भगीरथ नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है अगर कोई भगीरथ ऐसी तपस्या करके गंगा को लौटाएगा तो पूरी धरती सूख जाएगी। जहां गंगा बही है वो पूरी धरा सूख जाएगी, इसलिए कोई भगीरथ नहीं चाहेगा कि गंगा लौटे। अब बिना ऐसे भगीरथ के गंगा के साथ कोई व्यवस्था नहीं, तो उसका उपाय क्या है? गंगा तुम्हारे यहां ना आ पाए कोई चिंता मत करना, गंगा जल को अपने घर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हो नहरों के माध्यम से, और बहुत सारी नहरें गई है अभी भी वहां बह रही है कि नहीं है? तो वही गंगा का जल, और गंगा को अपने से दूर महसूस मत करना, क्योंकि धारा अनवरत जारी है। गंगा तुम्हारे आप बहे बहुत अच्छी बात है, न बह पाए तुम गंगा में बह जाओ और अपने जीवन को बिल्कुल तार लो, ये प्रयास करो। हालांकि मेरी भी भावना है कि गुरुदेव के चरण वहां पड़े, पर वही सवाल है अब कोई ऐसा भगीरथ तो होगा नहीं जो गंगा को लौटाने के लिए तपस्या करेगा। अब ये बात है एक गुंजाइश कि गंगा अभी बही है, ये गंगा तो गंगा सागर तक पहुंच गई और वहां उसका पूर्ण विराम हो गई, लेकिन विद्या सागर की गंगा अभी बह रही है। मैं भावना भाता हूं ये गंगा पूरे धरा को आप्लावित करते हुए घूम कर वापस गौरी शंकर तक पहुंच जाए, घूम कर ये गौरी शंकर तक पहुंच जाए, और जब ऐसा होगा तो सबका उत्थान हो जाएगा, मैं भावना भाता हूं। लेकिन ये काम कोई भगीरथ नहीं कर पाएगा, ये काम तो केवल गंगा कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए भावना भाइये कि गुरुदेव का मनोभाव ऐसा हो जाए और गंगा घूम कर उधर भी चले जाए जिधर से वो आई थी, और बीच में शिखर दी भी आ जाए। जरूर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। महाराज जी उनका मूल प्रश्न था असल में बाद में था कि हम लोग सभी दक्षिणवासी भावना योग्य की कौन सी कमांड दें, जिससे मैं तो बोल रहा हूं एक ही भावना भाव कि गुरु चरण हमारी धरा पर आए, समझ गए? चलिए कांता जैन जबलपुर, कांता संजय जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे बसंती जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज आचार्य शांति जागर महाराज का समाधि दिवस है, हम लोग ने कल प्रेरणा पाकर आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया है। महाराज जी आपका आशीर्वाद है। महाराज जी पंचायत सभा से एक समाधान चाहूँगा। महाराज जी हमने मुस्लिम समाज में देखा है कि वहाँ मोहल्ला पंचायत होती है, जो घर के झगड़े और प्रॉपर्टी के झगड़े जो हैं वो वहीं निपटा के अदालतों से बचाती है, तो ऐसी ही हमारी पंचायत सभा क्या कर सकती है कि कुछ लोगों की कमेटी बनाए? बिल्कुल कर सकती है, बशर्ते पंचायतें अपनी पंचायतें कम कर लें। जी दुर्भाग्य है मुझे आपके जबलपुर की तो नहीं पता जी, पर ज्यादातर पंचायतें दूसरी पंचायतों में उलझे रहती है, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगे तो ये सब चीजें हो सकती। नमोस्तु महाराज। बसंती जैन कोटा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि जैन मुंबई। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्य है, तो क्या बीच का सारा जीवन भ्रम जाल है या कर्मों का जाल है जिससे आत्मा को गति की प्राप्ति हो? बिल्कुल जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी, जन्म और मरण के बीच का जो है वो भ्रम जाल का विस्तार है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है। चलिए सुरभि जैन मुंबई, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सपना सिंघई महरोनी। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी मेरा शंका यह है कि कई बार मजबूरी में हमें ऐसे लोगों का
साथ लेन देन करना पड़ता है, जिन्हें हम जानते हैं कि ये हमारे द्वारा किए दिए गए धन का उपभोग अभक्ष वस्तुओं का उपभोग करने में करेंगे या गलत गतिविधियों में ही करेंगे। जैसे डोली वाले जो हमें पता है कि वो रात में शराब पीते हैं, या बहुत सारे फल सब्जी वाले हैं जो मांसाहार का उपभोग करते हैं, तो फिर हम इन सब से कैसे बचे? मतलब हमारी मजबूरी भी होती है। देखिए, अगर आप उसको कहते हैं शराब पी लेना, मांस खा लेना, और शराब पीने और मांस खाने के लिए पैसे दे रहे हो, तो आपको बड़ा पाप। पर आप कोई सौदा लिए हो या आप किसी से कोई काम किए हो, उसको उसके एवज में उसकी मजदूरी या उसका दाम दे रहे हैं, तो इसमें पाप नहीं है। अन्यथा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, फिर तो अपने आप को बहुत सीमित रखना पड़ेगा। वही बात है। हाँ, तो इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं। चलिए। सपना से गई मेहरबानी, और इसके बाद तैयार रहेंगे खुशी सेठ पारसोला। महाराज श्री के चरणों में मेरी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, जीवन में बहुत सी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, उस समय हम अपने आप को संयमित किस प्रकार रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। एक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया है, पिछले वीडियो को देख ले। चलिए, खुशी सेठ पारसोला, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव। हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद भी भय उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि आत्मविश्वास की कमी होती है और सोच में नकारात्मकता। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है उनके मन में शंका आती है, जिनकी सोच नकारात्मक होती है उनके मन में भय होता है। आत्मविश्वास से भरो, सोच को सकारात्मक बनाओ। नया काम आते समय ये प्रतिक्रिया काम कैसे होगा, ये नकारात्मकता का द्योतक है, और काम कैसे करना है ये सकारात्मकता का प्रतीक है। अब ये मत सोचना कैसे होगा, ये सोचो कैसे करना है। जो कैसे करना है इस पर विचार करते हैं वे ही काम को अंजाम दे पाते हैं, कैसे होगा इस सोच में तो घबराहट आती। श्रीमती सुनीता जैन सागर, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अनुरोध पूज्यवर मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में। अभी पर्याप्त समय है अभी, इसलिए पूज्यवर मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में अनुरोध करूंगा। महाराज जी को नमोस्तु, एलक छल्लक जी को इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है महाराज जी, बंधन एक ऐसा शब्द है जो किसी को पसंद नहीं है, पशु पक्षी को भी पसंद नहीं है, परंतु मनुष्य बंधन रखकर अपने आप को सुखी मानता है, पर वो भी दुखी है, ऐसा क्यों? देखिए, बंधन तो सच्चे अर्थों में मनुष्य भी पसंद नहीं करता, लेकिन उस बंधन को जिसको बंधन मानता है, जिसको मनुष्य बंधन मानता है उस बंधन को पसंद नहीं करता। आपको हथकड़ी लगाए पसंद करोगे क्या? नहीं। बेड़िया में बांधे पसंद करोगे क्या? नहीं। छोड़ दो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि इस हॉल से आपको बाहर नहीं जाना, पसंद करोगे क्या? जो बंधन दिखता है वो स्वीकार नहीं होता, लेकिन जिस बंधन को मनुष्य बंधन समझता ही नहीं उसे स्वीकार कर लेता है। आप दोनों का जो जोड़ी बंधन है ये स्वीकार किया है, ये बंधन नहीं, आपने गठबंधन किया है, और ये गठबंधन की सरकार चल रही है, जब तक चल रही है तो चलेगी। जिस दिन ये बंधन लगने लगेगा उसी दिन मुक्ति का प्रयास होगा। अब लगने लगा मना है, अब लगने लगा वो आखिरी में लगता है, बाद में तब तक समय निकल जाता है। अब वो सोचते तो हैं, एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ पार्क में गया, 20 वर्ष बाद वो पार्क में गया, उसकी धर्मपत्नी ने एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, याद है आज से 20 वर्ष पहले हम दोनों इसी पार्क में आए थे, अचानक पापा आ गए थे तो तुम इसी झाड़ी की ओट में छिप गए थे। पति सुना एकदम हताश हो गया। बोले, इसमें हताश होने की क्या बात, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि छिप गए थे तो बच गए थे। बोले, नहीं, मैं इसलिए तो दुखी हूँ, काश वो देख लेते तो आज मैं आज़ाद होता। तब तक बहुत देर, यहां तो ढोल बाजा बजा करके बंधन स्वीकार करते,
बैंड बाजे के साथ बंधन स्वीकार करते हैं। इसको बंधन मानता कहां है कोई? बंधन वही है जो अंदर से स्वीकार्य हो कि ये बंधन है। आप पूज्यवर मनीषी निर्वेश सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन, और उसके बाद तैयार रहेंगे धन्ना लाल जी जैन मंडी बामोरा। मुनिश्री को नमोस्तुत करते हुए, यदि हम दिशाओं की अपेक्षा से भारत को दो दिशाओं में देखें तो एक उत्तर भारत है तो दूसरा दक्षिण भारत है। जहाँ एक उत्तर भारत में तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी साधना करते हुए निर्वाण प्राप्त किया, यह सौभाग्य उत्तर भारत को मिला, तो दक्षिण भारत में उन तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकरों की वाणी को हृदयंगम करके जन जन तक पहुंचाने वाले श्रेष्ठ आचार्य कुंदकुंद आचार्य, आचार्य समुद्रभद्र स्वामी और प्रमुख आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज आदि लोग महापुरुषों ने दक्षिण भारत की भूमि में जन्म लिया और जैन शासन के रथ को आगे बढ़ाया, ये क्या सहज नियोग है या इसके पीछे कोई संदेश छुपा है कि उत्तर भारत ने तीर्थंकरों को जन्म दिया तो दक्षिण भारत की भूमि ने आचार्यों को जन्म दिया? एक ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, दूसरों ने उस वाणी को जनजक तक पहुंचाने का उपकार किया, इसमें क्या रहस्य है, कृपया समझा कर उपकृत करना। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया। ये सच है कि समस्त तीर्थंकर भगवंतों का जन्म उत्तर भारत की धरा पे हुआ और उत्तर भारत में धर्म जन्म लेकर उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त में धर्म का प्रवर्तन किया। जहाँ तक आचार्यों के दक्षिण भारत में जन्म लेने का सवाल है, जब हम गहराई से विचार करते हैं तो मुझे इसमें एक अलग बात नज़र आती है। उत्तर भारत में तीर्थंकरों का जन्म हुआ, दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम आते, आचार्य कुंदकुंद, समंतभद्र आदि अनेक आचार्यों का नाम, आचार्य जिनसेन, संभवतः आचार्य बीरसेन भी दक्षिण भारत से संबद्ध माने जाते हैं। मूल संघ के अनेक आचार्य दक्षिण भारत से संबद्ध माने जाते हैं। लेकिन आपको पता है दक्षिण भारत में जाने वाले पहले आचार्य कौन थे? वे आचार्य भद्रबाहु थे जो उत्तर भारत से ही गए थे। तो दक्षिण भारत में धर्म लेकर गए कौन है? उत्तर भारत के आचार्य, आचार्य भद्रबाहु उत्तर भारत में थे। आचार्य चंद्रगुप्त जिन्हें हम विशाखाचार्य के नाम से जानते हैं वो उत्तर भारत में, अरहद बली जो विक्रमादित्य के भाई थे वो उत्तर भारत में थे, माघ नंदी आदि जितने थे वो उत्तर भारत में थे। तो उत्तर भारत में भी महान महान आचार्यों की परिपाटी थी। अगर ठीक तरीके से विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि उत्तर भारत में अनेक महान आचार्यों का आविर्भाव हुआ है। दक्षिण भारत में शांति सागर जी महाराज ने मुनियों का मार्ग खोला, जिसकी चर्चा आज प्रातःकाल हम लोगों ने की थी। पर शांति सागर जी के बाद बीज सागर जी, शिव सागर जी दक्षिण की ओर हुए, पर उसके बाद इधर धर्म सागर जी, ज्ञान सागर जी तो उत्तर में ही हुए, तो उत्तरा दक्षिण तुल्य जैसा दिखता है, समझ गए। पर हाँ, आज दक्षिण में धर्म भीड़ता है और हमारी संख्या भी बहुत है। दक्षिण के लोगों को मैं कहूँगा कि एक बात और समझ में आ रही है मुझे, उत्तर में तीर्थंकर हुए, दक्षिण में आचार्य, और आचार्य दक्षिण में हुए और आए उत्तर में, फले सब उत्तर में, वो क्यों? मुझे लगता है आचार्यों ने उत्तर दक्षिण को एक करने के लिए ही दक्षिण में जन्म लेकर उत्तर की तरफ आए, एक हो गए। दक्षिण उत्तर का भेद बंद करो और जो जहाँ है उसे आगे बढ़ाओ। मैं उत्तर के लोगों को भी कहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भगवान हुए, आचार्य हुए, तो उनके मार्ग पर चलो, और दक्षिण के लोगों को भी कहता हूँ
कि तुम्हारे यहाँ महान महान आचार्य हुए तो उनका अनुसरण करके आगे बढ़ो। श्री धन्नालाल जी जैन मंडी बांवारा, मुंशी अतुल सागर जी महाराज जी के ग्रस्त पिताजी, और आगे तैयार रहेंगे आयुष जैन अकलतरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी साल में 3 बार अष्टांग का पद पर्व आते हैं, और उन पर्वों में हम सिद्ध चक या इंद्र विधान समुसरण विधान वगैरह करते हैं। जब सामूहिक होता है तब तो वो माटा करते हैं, और जब सामूहिक नहीं होता तो हम अलग से थाली में ही करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो उसमें कुछ लोग कहना है कि ये ठीक नहीं है। नहीं, आप सामूहिक करें, मानना से करें, अच्छी बात है। अकेले भी मानना में कर सकते हैं, और कदाचित नहीं कर पाओ तो उसको अपनी पूजा मान लो, बुरा नहीं। चलिए आयुष जैन अकुलतरा, और उसके बाद में शौका सन्मति योगारे और उनके सभी साथी। मेरे उपकारी गुरुदेव को नमोस्ते, नमोस्तु, नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर में बच्चा कोचिंग क्लास लेता है, वहाँ हर प्रकार के बच्चे आते हैं पढ़ने, और जैसे बच्चों के पेरेंट्स लोग मछली पालन या मुर्गी पालन का व्यापार करते हैं, तो उन बच्चों से फीस लेनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? ये वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले बहन जी ने किया। चलिए आगे बढ़े। नमस्ते महाराज। चलिए सन्मति उगारी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरिहंत जैन ढाना सागर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरु। जल्दी करें सी। सिद्ध क्षेत्रावरी कुंतलगिरीला चालला मुनींचा समाधी सोहळा, चालला मुनींचा समाधी सोहळा। दृष्टी दोष येता शांति सागरानी, घेतली संलेखना जीन समाधी। कोण तांबवी त्या आत्मनिश्यास, चालला मुनींचा समाधी सोहळा। अपना सवाल कर लीजिए। शांति सागर जी महाराज की बहुत अच्छी स्तुति गा रहे हैं, हम लोगों ने सुबह गुणगान कर लिया। कोई सवाल है तो जल्दी कर लीजिए। जल्दी महाराज जी, मेरी शंका है, बार बार ऐसे मन में आता है, हम सब करते हैं, अभवी जीव तो नवग्रह के ऊपर ही जा सकते हैं, लेकिन हम ये सब हमें मिला है, अब हम 8वीं प्रतिमा भी धारण कर लिए, लेकिन भव्य की पहचान अपने मन में कैसी, ऐसा पक्का विश्वास होना चाहिए कि मैं भव्य ज्ञानी का ही विषय है। दिव्य ज्ञानी ही बता सकते हैं कि हम भव्य ज्ञानी, लेकिन आचार्य सोमदेव सूरि ने भव्य जीव की एक स्थूल पहचान बताई। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जो भगवान की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, समझ लो भव्य है, तो जिन वाणी और गुरु वाणी सुनने में उत्साह बना है तो मान लेना हम भव्य है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावकी, शैली सरावकी, मयंक सरावकी, हर्षिता सरावकी, फर्म सरावकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावकी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।